सतनाम सतनाम करता पुरख करता पुरख निर्भो निर्भो निर्वैर निर्वैर अकाल मूरत अकाल मूरत अजूनी सैभं अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच जुगाद सच है भी सच सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच। संता के कारज आप खलोया संता के कारज आप खलोया संता के कारज Hallelujah।
जस वेद पुरानी गाया कमुक रावण हर कमुक रावण आया राम संता के कार दिया भूखलोया संता के सब दिन सिरेड़ में घूंगूरी
अखी गुर पैर तराई अनेकी उपाव करी गुर कारण गुर पावे सो थाए पाई जे गुर चिड़के ता मीठा लागे जे गुर चिड़के ता मीठा
जप जप जीमा सतगुरु नाम गुर का दर्शन देख देख जीवा गुर का दर्शन देख देख जीवा गुर के चरण इस गुर को सिमरो सास सास गुर मेरे प्राण सत गुर मेरी रास्ते इस गुर को सिमरो सास सास गुर मेरे प्राण सत गुर मेरी रास्ते गुर का दर्शन देख देख जीवा गुर के चरण
दर्शन देख देख दीवा गुर के चरण तोए तोए गुर का दर्शन देख देख दीवा गुर के चरण गुर को सिमरो सास सास गुर मेरे प्राण सतगुर मेरी राह गुर को सिमरो सास सास गुर मेरे प्राण सतगुर मेरी राह गुर का दर्शन देख देख दीवा गुर के चरण शब्द विच बख्शिश कर रहे हैं ऐ मनुख बिना सिमरन दे होर जितने भी कर्म कांड हैं दुनिया दे कर्म हैं पुन दान जप तप इना नू फल नहीं लगन वाले कहो नानक ए तत बिचारा जपा सिर जप की है प्रभु सिमरन है तपा सिर तप की है आख्या प्रभु दा सिमरन है कर्मन सिर कर्म केड़ा कर्म है हर को नाम जप निर्मल कर्म प्रभु सिमरन तो बिना तेरा छुटकारा नहीं होना प्रभु सिमरन तो बिना जितने भी होर तेरे कर्म हन ओ जीरो हन ते जीरो जितनिया मर्जियां लाई जाइए उना दी कोई कीमत नहीं होंदी जदों तू नाम दा एका लावेगा ता ओ जीरो दस बोलेगी सौ बोलेगी हजार बोलेगी फिर तेरी मेहनत है जितना सिमरन करी जावेगा तेरे पुन वध दे जानगे तेरा जीवन उच्चा सुचा होंदा जाएगा इस लई गुरु अर्जन देव महाराज कहंदे ने मैं सारिया धर्मां दा तत तुहानूं दस रहा जितने भी इस धरती ते धर्म शास्त्र हन उन्हां दा तत मैं तुहानूं दस रहा हां कि बिना सिमरन दे बिना भगवान दे भजन दे
छुटकारा नहीं हो सकता। इसलिए कहो नानक ए तत बिचारा। बिन हर भजन नहीं छुटकारा, बिन हर भजन नाही छुटकारा, 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 नाही छुटकारा। भजन नाही छुटकारा, बिन हर भजन नाही छुटकारा। कहो नानक एह तत बिचारा, कहो नानक एह तत बिचारा। बिन हर भजन नाही छुटकारा, बिन हर भजन नाही छुटकारा। वडे वडे जो दिशे लोग, वडे वडे जो दिसे लोग, तिनको व्यापे चिंता रोग। जेने वडे मायाधारी, वडे शेठ, तेरे वेखन विच तां ओ बड़े सुखी लगदे हन, पर उन्हां नूं पुछ के वेख मायाधारियां दे नेड़े जदों जाएगा ना, तैनू शेक आवेगा उन्हां कोल कि कितने दुखी हैं, क्योंकि बिना सिमरन दे सुख नहीं। इसलिए हजूर गुरु अर्जन देव पातशाह कहंदे ने, वड़े वड़े जो दीसें लोग, जेड़े वड़े तैनू नजर आ रहे हैं, इन्हां नू वड़े दुख चिमड़े हुए हैं, इन्हां नू सुखी ना समझी। वडे वडे जो दिशे लोग, तिनको व्यापे चिंता रोग, तिनको व्यापे चिंता रोग, तिनको व्यापे चिंता रोग। बिन हर भजन नाही छुटकारा, बिन हर भजन नाही छुटकारा। कहो नानक एह तत बिचारा, कहो नानक एह तत बिचारा। बिन हर भजन नाही छुटकारा, बिन हर भजन नाही छुटकारा। कोहु ना वड्डा माया वड्याई, वड़ा माया वड़ियाई। सो वड़ा जिन राम लिवलाई, सो वड़ा जिन राम लिवलाई, सो वड़ा जिन राम लिवलाई। बिन हर भजन नाही छुटकारा,
बिन हर भजन ना ही छुटकार, ना ही छुटकारा, 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 बिन हर भजन ना ही छुटकारा। भूमिया भूम ऊपर नित लुझे, भूमिया भूम ऊपर नित लुझे, छोड़ चले कृष्णा नहीं बुझे, छोड़ चले अंत तक भजदा रहता है मनुख, होर कट्ठी कर लवा होर कितों मिल जांदी, पर पता उदों लगदा जदों अंत समा आ जांदा है। चल भाई फिर छोड़ चलिया तां फिर पछताना, जदों सब कुछ छोड़ना पै जांदा फिर पछतावा लगदा है, ओ मेरे मन तू जेड़ा धन कट्ठा करना सी ओ तां कीता ही नहीं, तेरे अखां मीटन दी देर सी, एक छिन विच सब कुछ पराया हो गया। बल्कि घर वाले भी कहन लग जांदे हन भई इनू हुण इस मकान तो बाहर कढ़ो किते बोई ना पै जावे। उच्चारण करो श्री आद घड़ी कोवू नहीं राखे, घर ते देत निकार, जिड़ा रात दिन परमदा रिया, माया कठी करदा रिया, पदार्थ कठे करदा रिया, ते रिजल्ट की निकलिया, अख फुरत दे विच सब कुछ पराया हो गया। संसार दी रो रीति ऐसी, इथे निर्धन नु कोई आदर नहीं, पर निर्धन ओ है जेड़ा परमेश्वर दा सिमरन नहीं करदा। उच्चारण करो श्री संसार दी और निरंकार दी रीति विच फर्क है। संसारियां विच माया तारी नू थोड़ा जिहा मान मिल जांदा है, जितने तक किसे दी लोड़ पूरी करदा है, लोड़ पूरी हो गई गल मुक गई, पर सिमरन वाले दा एथे भी मान होंदा है ते दरगाह विच भी मान होंदा है। इस संसार दी क्या रो रीति है, कबीर जी कहंदे ने निर्धन आदर कोई ना दे, लाख जतन करे ओ चित ना धरे, जो निर्धन सरदन पै जाए आगे बैठा पीठ फिराए, जो निर्धन सरदन कह जाए आगे बैठा पीठ फिराए, जो सरदन निर्धन कह जाए दिया आदर लिया बुलाए। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰੀਤੀ, ਨਿਰਧਨ ਸਰਦਨ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਾ ਪਾ ਦੇਵੇ ਕਿਤੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਸਰਦਨ ਆ ਜਾਵੇ ਨਿਰਧਨ ਦੇ ਘਰ ਉਹ ਆਦਰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਉਂਦਾ, ਆਦਰ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਿਰਧਨ ਸਰਦਨ ਦੋਨੋਂ ਪਾਈ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਰਾ ਵਾਂ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਂ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਚਾਰ ਕੌਡੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ ਕਿਸ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੂੰ ਛੱਤੀ ਪਦਾਰਥ ਸ਼ਕੀ ਜਾਣਾ, ਤੇਰਾ ਗੁਆਢੀ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਭੁੱਖਾ ਬੈਠਾ,
ता तेरे पदार्थ शके नू की किया जावे, उचारण करो श्री वाहेगुरु। जे तू किसे दी लोड़ नहीं पूरी कीती, किसे दे कम नहीं आया, ता तेरे तनी होण दा भी कोई फायदा नहीं। निर्धन सरदन दोनों भाई, अकाल पुरख वाहेगुरु दी अंश होण करके निर्धन ते सरदन ए एक ईश्वर दा परिवार है, और कर्मा अनुसार निरंकार सब नू दे रहे। एक निहाली पैसवन एक ऊपर रहन खड़े, एक कर्मा करके है। जे तैनू वाहेगुरु ने दिता है ता तू अहंकार दे विच एवें फुलिया ना, फिर ए कोई तेरा चंगा कर्म कीता होया है। ते हो सकी ता अगों लई भी कुछ कर, उचारण करो श्री वाहेगुरु। एक सजरी व्याई होई सत संगन बची, वड परिवार दे विच जदों आई, रोज अमृत वेले उठती है, शिनान करती है, नित नेम करती है, सत संग विच जांदी है। महापुरख आ गए, ते महापुरखा ने इस बच्ची नू आख्या, बेटा तुसी सजरी खांदे हो जां बासी खांदे हो? इस बच्ची ने कह दिता, असी बासी खा रहे हां। कोल सस खड़ोती सी इस दी, बड़ी मन विच किरणा होई, बड़ा दुख होया, भई 36 प्रकार दे भोजन घर विच पदार्थां दी नदी वग रही है, कदी अज तक कोई वस्तु बासी नहीं खवाई मैं इसनू, ते इसने एडी वड्डी बेइज्जती कर दिती है, और एक फकीर अगे असी बासी खाने। पर मुहों कुछ बोली नहीं, जदों पति आया ता कहन लगी, तुसी बड़ी तारीफ करते हो छोटी नूह रानी दी, आ वेख लो अज एक फकीर आया है। ओनू कह रही सी, भई असी तां बासा ही खाने हां, बेहा भोजन खा रहे हैं, बहे पदार्थ खा रहे हां। बुलाया, बेटा ए तू की किया, साड़ी एडी इज्जत, इतने पदार्थ कदों तै नसी बासी खवाई है, भला दस तां सही, तू उस फकीर अगे साड़ी बेइज्जती कीती है? तां इस बच्ची ने सहुरे दे चरण फड़ ले, कहंदी पिता जी असी बासी खा रहे, क्योंकि जितने सुख ए महल माड़ियां, सुंदर वस्त्र, सुंदर पदार्थ, धन दौलत, ये तुहाड़ी पिछली कमाई है। उचारण करो श्री वाहिगुरु। ये तुहाड़ी पिछली कमाई है जेड़ी खा रहे हो, ते मैं वेख रही हां अगों वास्ते तुसी कुछ नहीं कर रहे। भोजन तां ओही हुंदा है जेड़ा सजरा खाइए। महापुरख बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज क्या करते सन, भाई परमेश्वर ने केडी तेनू छूट दिती है कि 9 हिस्से समय दे तेनू दे दिते हैं, तू अपने कार विहार तंदे कर, पर स्वासा दा 10वां हिस्सा जिहड़ा समय दा है ना, इह तू परमेश्वर दे चरणा विच बिताया कर, कुछ अगों वास्ते भी कर लिया कर। यह है सजरा भोजन खाना, अमृत वेले उठ के इशनान करके नितनेम करना, यह सजरा भोजन है। पिता जी मैं वेखदी हां इस घर विच कोई भी अमृत वेले नहीं उठदा, कोई भी इशनान नहीं करदा, कोई भी सत संगत विच नहीं जांदा, तां दसो असी पिछला बीजिया ही खा रहे हां, हुण तां कुछ ना कर रहे। इस पिता दियां भी अखां खुल गईयां, मां दियां भी खुल गईयां, बाकी परिवार दी भी अखां खुल गईयां कि सचमुच असी अगों लई कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि जिदी वड्डी वाहिगुरु बख्शिश करे ना, ओडे वड्डे शुकराने दी भी लोड़ होंदी है, ओडे वड्डे सिमरन दी भी लोड़ है। जे नहीं करेगा तां सुख सुख नहीं रह जाणगे, सुख ही दुख दा रूप धारण कर जाणगे। इसलिए हजूर कहंदे ने, वड्डे वड्डे जो दिशा लोग तिन को व्यापै चिंता रो, क्योंकि उन्हां दे पास समय ही नहीं है कि सत संग कर लैन।
ते भाई फिर पता उदों लगा जदों शिन विच सब कुछ पराया हो जांदा। पता उदों लगदा जदों मनुख होंदिया सब कुछ होंदिया होया भी इतना दुखी है कि सुख नाल एक घुट दुध दा भी नहीं पी सकदा। उचारण करो श्री तां तेरे खटे होए धन दौलत पदार्थ किस काम आए। इसलिए हजूर कहंदे हन कि भाई सिमरन कर तेरा ए लोक भी सुखी होवे पर लोक भी सुहेला होवे। निर्धन सरदन दोनों पाई प्रभ की कला न मेटी जाई। कबीर जी कहंदे हन दरगाह विच भाई ओ निर्धन है भावें सारी सृष्टि दा राजा होवे जे सिमरन नहीं करदा तां ओदे वर्गा कोई निर्धन ओदे वर्गा कोई कंगाल नहीं है। जे नहीं जपदा श्री वाहिगुरु कहत कबीर निर्धन है सोई जांके हिरदे नाम ना होई। ओदे वर्गा कोई कंगाल नहीं। महापुरखां दा बचन चेते आया बाबा ईश्वर सिंह जी कलेरां वाले कानपुर पहुंचे। बड़े तकड़े सरदार नाल 15-20 होर भी उसदे करंदे ते आके महापुरखां दे पास बड़ियां तरीफां करन लगे। महाराज इतना धन दौलत है इसदे पास गिणती नहीं पता नहीं जगह जगीरां दा अंत नहीं। कई मीलां चल रही हन राज दरबार विच भी बड़ा मान सत्कार है। ते महापुरख पुछन लगे क्यों भाई नितनेम की करदे नितनेम की करदे क्योंकि महापुरख दा काम है। किसी ने पूछा तेरा कारोबार कितना है किसी ने पूछा तेरा परिवार कितना है किसी ने पूछा तेरा घर बार कितना है पर रब दे प्यारे पुछदे हन तेरा ईश्वर दे चरणा नाल प्यार कितना है। महापुरख कहन लगे नितनेम की करदे भाई गुरमुखा जे एडियां बरकतां वाहिगुरु ने तैनू दित्तियां हन ते नितनेम की करदे। कहंदे जी नितनेम तां मैं नहीं करदा। तां महापुरख जो बेपरवाह सदा रंग हर के उन्होंने किदी परवाह है। उन्होंने तो कुछ अपनी कमाई विचों जग्यासु नूं देना हुंदा कोई लेना थोड़ा। ये तो वह थापड़े देंदे हन जिन्हां ने कुछ लेना हुंदा भाई आया कुछ ना कुछ तो दे ही मरेगा। नहीं महापुरख अपनी कमाई विचों किनका दे के जग्यासु की आत्मा नूं भाग ला देंदा। महापुरख कहन लगे नितनेम की करदा के जी नितनेम तां मैं कोई नहीं करदा। महापुरख कहन लगे मैनू तां तेरे वर्गा कोई कंगाल नहीं नजर आ रहा तेरे वर्गा कोई कंगाल नहीं क्योंकि मैनू तरस आ रहा है तेरे ते कि इतना कुछ वाहिगुरु ने दिता है ते नितनेम कोई नहीं शुकराना कोई नहीं ये पदार्थ दुख रूप हो जाएंगे। जिन्हां ने सब कुछ पा के निरंकार दे निर्मल भाव विच जीवन नहीं बतीत कीता ओ सदा दुखी रहे हन। इसलिए महाराज सच्चे पातशाह बाणी दे बोहत शहीदां दे सिरताज गुरु अर्जन देव महाराज कहंदे हन मैं तुहानूं तत दस रहा सारे धर्म ग्रंथां दा कहो नानक ए तत विचारा बिन हर भजन नहीं छुटकारा। बिना जपन दे तेरा भला नहीं होना। बिन हर भजन नाही छुटकारा बिन हर भजन नाही छुटकारा कहो नानक एह तत विचारा कहो नानक एह तत विचारा बिन हर भजन नाही छुटकारा बिन हर भजन नाही छुटकारा।
राजे ने तकिया कि एक गरीब आदमी जिदे चेहरे ते बड़ा जलाल है, बड़ा खुश लगता है। मन विच सोचिया कि वाहिगुरु ने राज भाग दुनिया दे सुख दिते हन, मेरे अंदर एडी खुशी नहीं जितनी इदे मस्तक तो प्रतीत हो रही है। राजा पुछन लगा इसनू, क्यों भाई तू केड़ी खुराक खांदा है, कितने कुदा काम कर लेना है। ता ए गरीब आदमी कहन लगा, मैं अठ आने की मजूरी करदा रोज, अठ आने नाल गुजारा हो जांदा महाराज, बड़ा वधिया हुंदा है। दो आने मैं अपना उधार भी लहांदा हां, दो आने उधार देंदा भी हां, दो आने जमा भी करदा हां, ते दो आनिया दे नाल बड़े आनंद नाल रहिंदा, कोई कमी है ही नहीं। राजा हैरान हो गया भी एडा खुश दो आनिया दे नाल, ते उधार किथे लहाना है भाई तू किनू देना है। आख्या मेरे माता पिता घर हन, उन्होंने मैनू पालिया पोसिया है, मैं उन्होंने करजाई हाँ, इसलिए दो आने उन्होंने सेवा विच रोज लाना, ते उधार देंदा किनू है। आखे मैं अपने बच्चियां नू पढ़ा रहा, अच्छी तलीम दवा रहा, अच्छे पैरन वास्ते बस्तर देना, इसलिए ये दो आने उधार देंदा हाँ, जदों मैं बुढ़ा हो जावांगा ये मैनू मोड़नगे, मेरी सेवा करनगे। उचारण करो श्री। आख्या ते बाकी पैसे, आखे दो आने मैं जमा करदा, कोई भी संत महात्मा महापुरख आउंदा बेनती करके उन्हूं घर ले आउना, भोजन कराना, ये मेरे दरगाह विच जमा ने। ते दो आनिया दे नाल आनंद नाल प्रसादे शकी देने, बड़ी कृपा है ईश्वर की। महापुरखां दी संगत मिलन करके मैनू संतोख आ गया है, मैं तृष्णा तो रहत हो गया। महापुरखां ने मैनू दस्या कि बिना सिमरन दे कोई होर सुख नहीं है, इसलिए मैं अमृत वेले उठ के इशनान करके सत संगत विच बह के जपदा हां श्री, सेवा भी करदा हां ते नाल नाल सिमरन भी करदा हां। कहो नानक ए तत बिचारा, बिन हर भजन नाही छुटकार, नाही छुटकारा, नाही छुटकारा, छुटकारा, नाही छुटकारा, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु।
बिन हर भजन नाही छुटकारा, बिन हर भजन नाही छुटकारा। कहो नानक एह तत विचारा, बिन हर भजन नाही छुटकारा, 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 नाही छुटकारा, नाही छुटकारा। शुकराना शुकराना करे शुकराना सिर तर मन, करे शुकराना 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 शुकराना। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। शिवजी
जय गुरु जी की। Money.